गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा और अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने अपने संबोधन में सुरक्षित शहर परियोजना के बारे में बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य नागरिकों विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पिंक बूथ, सीसीटीवी कैमरे, महिला थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क, बसों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। जब महिलाएं पैनिक बटन दबाएंगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलेगी। पैनिक बटन के साथ ही एक कैमरा लगा होगा जो कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। प्राचार्य जी ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और बच्चों की सहायता हेतु निशुल्क नंबर 1098 के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं को साइबर सेफ्टी के लिए निशुल्क 1930 की जानकारी भी दी। प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि किसी भी योजना का लाभ लोगों को तभी होता है जब उन्हें योजना के विषय में जानकारी हो। इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसके बारे में अपने आसपास के लोगों को बताएं जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में छात्राओं को आत्मनिर्भर होने पर जोर देते हुए कहा कि आप किसी से भी कमतर नहीं हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें और उसका प्रयोग करें। समाज सेवियों में प्रिया अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में छात्राओं से अपने लिए महिला हेल्पलाइन नंबर पर बिना डरे और अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि सरकार की इस योजना के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा को रोकने के लिए और महिलाओं की मदद के लिए शुरू किए गए हैं। डीपीओ महोदय ने अपने भाषण में छात्राओं को बच्चों की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया, इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी दी और उनका पूरी तरीके से मदद करने का आश्वासन। इस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मेहरोत्रा जी, यहाँ जनपद मुरादाबाद की प्रसिद्ध समाज सेवी, हम सब लोगों के बीच में लोकप्रिय मैडम प्रिया जी, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अफसर अनुराग श्याम जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी सम्मानित साथी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर चारू जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ज्वलंत विषय को चुना है अपने बच्चों के बीच में उसके बारे में जानकारी देने के लिए। और किसी भी नियम कानूनों का सहारा लेने के लिए उसकी जानकारी होना सबसे जरूरी होता है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मिशन शक्ति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी लगा दिया। प्रोफेसर अंजना दास ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज जब आए दिन महिला उत्पीड़न के केस देखते हैं वहाँ इस परियोजना का बहुत महत्व है। प्रोफेसर कविता भटनागर, प्रोफेसर अंशु सरीन, प्रोफेसर पुनीता शर्मा, प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा, प्रोफेसर अपर्णा जोशी, प्रोफेसर सुदेश, प्रोफेसर प्रवीण सैनी तथा समस्त महाविद्यालय परिवार कार्यक्रम में उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संयोजन और संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा और डॉक्टर शेफाली अग्रवाल ने किया। आज गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय मुरादाबाद में सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसके मुख्य अतिथि हमारे डीएम साहब हैं और वक्ता के रूप में प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही साथ हमारे डीआईजी साहब हैं। ये लोग महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और इन विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं और छात्राएं या बच्चे कैसे अगर किसी मुसीबत में हों तो वो सहायता के लिए आह्वान कर सकते हैं इस विषय में, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता महिला और बाल बालिकाओं को दी जा रही है उसके संबंध में ये जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तरह तरह के योजनाओं के द्वारा महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी उन्नति के लिए योजनाएं बना रही हैं जिसका आम जन पर कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए कार्यक्रम महाविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया है जिससे छात्राएं यहाँ पर ये जान सकें
कि उनके लाभ के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें उन्हें आर्थिक लाभ मिल सकता है, पढ़ाई में उनकी मदद हो सकती है, या पढ़ने के बाद वो अगर किसी रोज़गार को अपनाना चाहें तो उसके लिए उन्हें क्या सहयोग मिलेगा, इस संबंध में ये योजनाएं। और मेरा ये मानना है प्राचार्य होने के नाते कि इस तरीके की योजनाओं की जानकारी बच्चों को देना हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उन्हें वो टीवी में न्यूज़ वगैरह देखती हों, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में उन्हें पता नहीं लग पाता। इसीलिए हम विशेषज्ञों को समय समय पर बुलाकर इस तरीके के जागरूकता के कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे हमारी छात्राओं को इस विषय में जानकारी हो और वो उसका लाभ उठा।